नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अगर आपका भी बैंक खाता यस बैंक में है तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है, जिसमें खुशखबरी भी है। ये राहत की बात है। ज्यादा पहले ना बुझाते हुए आपको बता दें कि यस बैंक बहुत जल्द अपना काम शुरू करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यस बैंक के सभी ग्राहक दोबारा से बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि 50,000 रुपए निकालने की सीमा भी खत्म हो जाएगी। इस बात की पुष्टि खुद यस बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से की है, जिसमें कहा गया है कि बैंकिंग का काम बुधवार से दोबारा शुरू हो जाएगा। बैंक ने कहा है कि 18 मार्च शाम 6 बजे से बैंक सामान्य रूप से काम करना शुरू कर देगा। ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं के साथ ही इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को भी बहाल कर देगा। वित्त मंत्रालय पहले ही बता चुका है कि बैंक पर लगा 3 अप्रैल तक का मोरेटोरियम 18 मार्च को ही हटा लिया जाएगा। अब यस बैंक ने भी ट्वीट कर अपने ग्राहकों को आश्वस्त किया है, जिसमें कहा गया है कि बैंक 18 मार्च शाम 6 बजे से सभी सेवाएं पहले की तरह देना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि 19 मार्च से बैंक के ग्राहकों को बैंक की सारी सर्विसेज मिल सकेंगी। वो 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम आसानी से निकाल सकेंगे। बैंक ने ट्वीट किया कि ग्राहक हमारे 1,132 ब्रांचों में से किसी भी ब्रांच पर निराश नहीं होंगे। इसके अलावा डिजिटल सर्विसेज और प्लेटफॉर्म्स पर किसी तरह की निराशा नहीं होगी। इसी बीच एक और अच्छी खबर ये है कि बैंक के शेयरों में भी आज अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। बैंक के शेयर्स में 58% से ज्यादा की तेजी दिखी। इससे पहले 13 मार्च को वित्त मंत्रालय ने यस बैंक के पुनर्गठन प्लान पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि 5 मार्च को बैंक पर लगाया गया मोरेटोरियम 18 मार्च शाम 6 बजे हटा लिया जाएगा। इसी बीच यस बैंक मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। सूत्रों का कहना है कि अंबानी को यस बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये नोटिस भेजा गया है। बताते चले कि यस बैंक ने एक बड़ी रकम अनिल अंबानी ग्रुप को लोन के रूप में दी है। फिलहाल इन सारी खबरों के बीच यस बैंक के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है कि बैंक वापस से पटरी पर लौट रहा है।